नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। भारत की राजनीति में दलित वोटों की खूब धूम रहती है, मगर अफसोस कि ज्यादातर नेताओं को दलित केवल तभी याद आते हैं जब राजनीति करनी होती है। ऐसे ही राजनीति करने वालों को महर्षि वाल्मीकि भी केवल वाल्मीकि जयंती पर ही याद आते हैं। जैसे एक तरफ आज जहां राहुल गांधी वाल्मीकि जयंती पर दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर पहुंच गए, तो आज ही वाल्मीकि जयंती पर भाजपा ने भी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों महर्षि वाल्मीकि की याद उनकी जयंती पर ही आती है, आखिर क्यों चुनाव के वक्त ही दलित वोटों की राजनीति होती है, हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, चलिए उसकी वजह भी बताते हैं। दो बड़े राज्यों यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी डंका बजने के साथ ही पार्टियां फिर कैंपेनिंग मोड में आ चुकी हैं। सभी पार्टियां दलित वोटों को साधने में जुट गई हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सभी पार्टियां एक तरीके से दलितों की सच्ची हितैषी होने का संदेश देने में लगी हुई है। हरियाणा में बीजेपी ने सीएम नायब सिंह सैनी का शपथ समारोह वाल्मीकि जयंती पर ही रखा। शपथ से पहले सैनी ने पंचकुला में वाल्मीकि मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। उधर राहुल गांधी ने भी दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। हरियाणा में दलित वोटरों के छिटकने से हार से सबक लेते हुए कांग्रेस अब महाराष्ट्र और झारखंड में उन्हें लुभाने में जुट गई है। राहुल गांधी ने वाल्मीकि मंदिर में पूजा करके दलित वोटरों को संदेश देने की कोशिश की है। दोनों ही राज्यों में दलित वोट काफी अहमियत रखते हैं। ये अगर किसी पार्टी या गठबंधन के पक्ष में जुटे तो हार जीत तय करेंगे। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो यहाँ दलित समुदाय की आबादी तकरीबन 14% है। इसी तरीके से झारखंड में भी दलित और आदिवासी वोट काफी अहम रखते हैं, इनकी आबादी यहाँ तकरीबन 12% है। दरअसल वाल्मीकि जयंती को पूरे देश में उनके जीवन को याद करने के लिए मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने ही हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामायण की रचना की थी। उन्हें भगवान श्री राम का परम भक्त माना जाता है। वैसे तो हर वर्ग के लोग वाल्मीकि जयंती को मनाते हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए ये और भी खास है। इस समाज के लोग इन्हें भगवान के रूप में मानते हैं, इस मौके पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में वाल्मीकि समाज को साधने का नेताओं के पास भला इससे अच्छा मौका कहाँ मिलता। बात केवल राहुल गांधी नायब सिंह सैनी की नहीं है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक सभी ने वाल्मीकि जयंती को मनाने के लिए अलग अलग तरीके से कोशिश की और अपनी तरीके से जनता को भुनाने की कोशिश भी की। खास बात यह है कि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो दलितों और पिछड़ों को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल ना करता हो। कहा जाता है जो कांग्रेस आज दलितों और पिछड़ों की बात करती है उसी की सरकार में नेहरू राज में 1956 में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को देने के लिए जो काका कालेरकर रिपोर्ट बनाई गई थी उसे खारिज कर दिया गया था। ऐसे में एक किताब में भी दावा किया जाता है कि साल 2007 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने प्रदेश के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर कर्मयोगी शिविरों में भाषण दिए थे। कर्मयोगी नाम की एक किताब में इन भाषणों को प्रकाशित भी किया गया था। इस किताब और कुछ एजेंसियों के मुताबिक कहा जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने वाल्मीकि समुदाय के सदियों से चले आ रहे पेशे को आध्यात्मिक अनुभव जैसा बताया था। कहा जाता है कि ये किताब कभी लोगों तक नहीं पहुंची, इसीलिए इस दावे में कितना सच है ये हम नहीं जानते, मगर चुनाव के वक्त दलितों को ज्यादा याद किया जाता है और फिर भुला दिया जाता है, अफसोस की बात केवल इतनी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।